सो वेल गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, और साथ में बताऊंगा आपको कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। जी हाँ दोस्तों, सो वेल ये कौन कौन से रीजन है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले है। सो फिलहाल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गर्ग, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको रुको जरा, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो के अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपको करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। सो वेल यहाँ पर जो फर्स्ट रीजन निकल के आता है वो ये है गाइस कि अगर आप कर लोगे अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, सो वेल यहाँ पर पहली बात तो ये होगी कि आपकी जो पोकेमॉन की सीपी होगी यानी कि प्यूरीफाइड म्यूटू की सीपी होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो शैडो म्यूटू की सीपी है इस समय वो है 900। सो वेल अगर आप कर लोगे उसको प्यूरीफाइड सो वो आपकी हो जाएगी 1500 से 1600 तक की सीपी। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर जो दूसरी बात निकल के आती है वो ये है कि आपकी जो स्टारडस्ट और कैंडीज की कॉस्ट होगी वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी उसकी पावर अप करते समय, और साथ ही साथ उसको एक न्यू चार्ज अटैक को सिखाते समय। जी हाँ दोस्तों, सो इस रीजन से आपको करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। सो वेल अब जो सेकंड रीजन निकल के आता है वो ये है दोस्तों कि अगर आप परेशान हो चुके हो अपने शैडो म्यूटू के फ्रस्ट्रेशन चार्ज अटैक से यानी कि उसके फ्रस्ट्रेशन मूव से, सो ऐसे में दोस्तों आप अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई कर सकते हो ताकि आपका जो फ्रस्ट्रेशन मूव होगा वो वहां से फॉरगेट हो जाएगा आपके पोकेमॉन से, यानी कि वो उसको भूल जाएगा और इसके बदले वो सीख जाएगा एक न्यू चार्ज अटैक जिसको आप यूज कर सकते हो पीवीपी के अंदर या फिर जीबीएल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सो इस रीजन से भी आप कर सकते हो आपके शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। जी हाँ दोस्तों, सो वेल अब जो थर्ड रीजन निकल के आता है आपके शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई करने के लिए वो ये है दोस्तों कि आप मान लीजिए कि आपके जो शैडो पोकेमॉन की इस समय आईवी है वो हो रखी है समथिंग 13 13 13, यानी कि अटैक 13, डिफेंस 13 एंड स्टेमिना यानी कि एचपी आल्सो 13। सो ऐसे में दोस्तों अगर आप करते हो अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, सो वेल दोस्तों वो आपका जो शैडो म्यूटू होगा वो बन जाएगा एक परफेक्ट आईवी म्यूटू यानी कि 100 IV म्यूटू। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप करते हो अपने किसी शैडो पोकेमॉन को प्यूरीफाई सो वो गेन कर लेता है 2 IV एक्स्ट्रा अपने हर एक स्टैट्स में। यानी कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप मान लीजिए कि आपके जो यहाँ पर शैडो पोकेमॉन की आईवी हो रखी है वो है समथिंग 13 13 13, सो यहाँ पर गाइस अगर आप करोगे उसको प्यूरीफाई सो यहाँ पर जो है उसके हर एक स्टैट्स में यानी कि अटैक, डिफेंस एंड एचपी में यहाँ पर प्लस हो जाएगी 2 IV एक्स्ट्रा, यानी कि वो बन जाएगा आपका एक परफेक्ट आईवी म्यूटू यानी कि एक 4-स्टार म्यूटू। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक और मजे की बात तो ये है गाइस कि अगर आपका शैडो म्यूटू एक वेदर बूस्टेड शैडो पोकेमोन निकला सो ऐसे में गाइस आपको देखने को मिलेगी 4 IV एक्स्ट्रा उसके हर एक स्टेट्स में 2 IV की जगह। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मान लीजिए कि आपके जो शैडो पोकेमोन की इस समय आईवी हो रखी है वो है समथिंग 11 11 11, सो वेल दोस्तों आपका जो शैडो पोकेमोन होगा वो प्यूरीफाइड होकर बन जाएगा 100 IV शैडो म्यूटू। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके हर एक स्टैट्स में 4 IV एक्स्ट्रा प्लस हो गई है यानी कि अटैक, डिफेंस एंड एचपी में 4 4 प्लस हो गई है जिसके कारण वो बन चुका है एक परफेक्ट आईवी म्यूटू। जी हाँ गाइस, सो इस रीजन से भी आप कर सकते हो अपने शैडो पोकेमोन को प्यूरीफाई यानी कि शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई उसके नॉर्मल कंडीशन में ताकि आपको देखने को मिल जाए एक आपका परफेक्ट आईवी म्यूटू। सो वेल अब जो फोर्थ रीजन निकल के आता है वो ये है दोस्तों कि आप मान लीजिए कि आपने कर लिया अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, और प्यूरीफाई करने के बाद आप उसको यूज नहीं करने वाले हो किसी भी बैटल के अंदर, जैसे कि रेड बैटल, जीबीएल, पीवीपी या फिर आपकी जिम बैटल। सो ऐसे में दोस्तों आप कर सकते हो अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी हो रखी है काफ़ी सारे हाई सीपी के पोकेमॉन जिनको आप यूज़ कर सकते हो पीवीपी के अंदर, जीबीएल के अंदर या फिर रेड बैटल के अंदर, सो ऐसे में दोस्तों आप कर सकते हो अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, और प्यूरीफाई करने के बाद आप उसको दिखा सकते हो अपने दोस्तों को कि देख यार मेरे पास तो एक प्यूरीफाइड शैडो म्यूटू है, यानी कि आप एक तरीके से कर सकते हो शो ऑफ। सवाल दोस्तों, एक इस रीजन से भी आप कर सकते हो अपने शैडो म्यूटू को भी प्यूरीफाई। सो वेल गाइस, ये थे वो कुछ रीजंस जो कि मैंने आपको बता दिए कि आपको किस वजह से करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। लेकिन अब जो मैं रीजंस आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस वजह से नहीं करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई, सो वेल उनको सुनने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप भूल कर भी करना चाहोगे अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। जी हाँ गाइस, सो वेल ये कौन से रीजन है वो आपको अब मैं
बताता हूँ। सो वेल, जो फर्स्ट रीजन निकल के आता है आपके शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई ना करने के लिए, वो यह है दोस्तों कि अगर आप यूज करते हो शैडो म्यूटू को रेड बैटल के अंदर, तो ऐसे में गाइस आपका जो शैडो म्यूटू होगा वो 20% मोर इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर म्यूटू, यानी कि नॉर्मल म्यूटू। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखा गया है कि अगर आप यूज करते हो सिंपल म्यूटू को या फिर किसी प्यूरीफाइड म्यूटू को, सो वेल वो उतना ही डैमेज दे पाएगा आपके सामने वाले अपोनेंट के पोकेमॉन को जितना कि उसकी आईवी के अंदर डिपेंड होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि आपके जो म्यूटू के इस समय अटैक की आईवी है वो है समथिंग 13, सो वेल वो ओनली 13 तक ही डैमेज दे पाएगा आपके अपोनेंट के पोकेमॉन को। और यहाँ पर अगर आप यूज करते हो किसी शैडो म्यूटू को, सो वेल वो प्रोवाइड करवाएगा 20% मोर डैमेज आपके सामने वाले पोकेमॉन को, चाहे आपके शैडो म्यूटू की आईवी 0 ही क्यों ना हो। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप उसको प्यूरीफाई करने के बाद उसकी आईवी को गेन कर लोगे, यानी कि गाइस आप उसकी आईवी को इंक्रीज कर लोगे, सो वेल आप इंक्रीज तो कर लोगे उसकी आईवी को, लेकिन गाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा उसका जो है उतना ज्यादा इफेक्ट जितना कि आपको पहले देखने को मिल रहा था शैडो म्यूटू के साथ। जी हाँ गाइस, सो इस रीजन से आपको नहीं करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को भूलकर भी प्यूरीफाई। जी हाँ गाइस, सो वेल अब जो सेकंड रीजन निकल के आता है वो यह है गाइस कि आपको ये पता नहीं होगा या फिर पता भी हो सकता है कि जो शैडो पोकेमॉन होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर प्यूरीफाइड फॉर्म। जी हाँ गाइस, यानी कि अगर आप यूज करोगे शैडो म्यूटू को पीवीपी के अंदर या फिर रेड बैटल्स के अंदर, सो वेल गाइस आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो शैडो म्यूटू होगा वो मोर डैमेज देगा आपके नॉर्मल पोकेमॉन से, यानी कि उसकी प्यूरीफाइड फॉर्म से। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं होता सो वेल आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार अपने आप से। सो इस रीजन से भी आपको कभी नहीं करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। और यहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड रीजन है वो आपस में सेम है, लेकिन नहीं गाइस ऐसा नहीं है। एज मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि वो मोर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन मैंने आपको सेकंड में बताया कि वो मोर पावरफुल होते हैं। जी हाँ गाइस, सो वेल ये था हमारा सेकंड रीजन। सो अब जो थर्ड रीजन निकल के आता है शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई ना करने का, वो यह है गाइस कि ऐसा तो है नहीं कि आपको बार बार लगातार देखने को मिलते रहेंगे शैडो म्यूटू गेम के अंदर, एज वो आपको तभी देखने को मिलते हैं जब आपके पास होगा एक सुपर रॉकेट रडार। और आपको पता ही है कि सुपर रॉकेट रडार आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता, एज वो आपको ओनली तभी देखने को मिलता है जब आपके पास जो कोई न्यू इवेंट आया होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक फ्री का सुपर रॉकेट रडार। जी हाँ गाइस, सो ऐसे में जो है अगर आपके पास ओनली अभी तक एक ही शैडो म्यूटू है और अगर आप कर लेते हैं उसको प्यूरीफाई, सो वेल गाइस आपके पास एक भी नहीं बचेगा शैडो म्यूटू। हाँ, लेकिन अगर आपके पास दो या तीन शैडो म्यूटू अवेलेबल है, सो वेल आप कर सकते हैं उसको प्यूरीफाई ताकि आपके पास एक शैडो म्यूटू और एक प्यूरीफाइड शैडो म्यूटू हो सके। लेकिन अगर आपके पास ओनली वन शैडो म्यूटू अवेलेबल है, सो वेल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जो है भूल कर भी प्यूरीफाई ना करें। सो वेल ये भी था इसका एक रीजन कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। सो वेल अब जो फोर्थ रीजन निकल के आता है वो यह है गाइस कि आप मान लीजिए कि मेरी एक साइड है एक 100 आईवी प्यूरीफाइड म्यूटू और मेरी दूसरी साइड है एक 0 आईवी शैडो म्यूटू। और ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि आप कौन से पोकेमॉन को चूज करना चाहोगे, सो वेल आपका ऑब्वियसली आंसर होने वाला है एक 100 आईवी प्यूरीफाइड म्यूटू। लेकिन नहीं गाइस, यहीं पर आप रॉन्ग हो जाते हो क्योंकि आपको चूज करना चाहिए था एक 0 आईवी शैडो म्यूटू को। जी हाँ गाइस, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि जो काम आपका 100 आईवी प्यूरीफाइड म्यूटू नहीं कर पाएगा वो आपका काम कर लेगा बड़ी आसानी से एक 0 आईवी का शैडो म्यूटू। जी हाँ गाइस, और अगर आपको ये बात मजाक लग रही है, सो वेल गाइस आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल या यूट्यूब कहीं पर भी और आपको यही आंसर देखने को मिलेगा कि आपके शैडो म्यूटू की आईवी कितनी ही कम क्यों ना हो वो आपका फिर भी मोर पावरफुल निकलेगा एज कम्पेयर टू आपके 100 आईवी प्यूरीफाइड म्यूटू या फिर आपके म्यूटू की कितनी ही आईवी क्यों ना हो। जी हाँ गाइस, आपका हर एक केस में आपका जो शैडो म्यूटू होगा वो ये हमेशा जो है विन कर जाएगा, यानी कि स्ट्रांग साबित होगा। जी हाँ गाइस, सवाल दोस्तों ये थे वो कुछ रीजंस जिनके वजह से आपको कभी नहीं करना चाहिए अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने इन रीजंस को केयरफुली लिसन किया होगा तो आप अपने म्यूटू को कभी भूल कर भी जो है प्यूरीफाई करने का सोचोगे। जी हाँ गाइस, सो फिलहाल मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सर वीडियो को थम्स अप कर देना यानी कि लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के अपडेट कभी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को आप जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर कर देना ताकि लोग अपने शैडो म्यूटू को प्यूरीफाई करने से पहले 4 से 5 बार सोचे। और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये न्यू वीडियो कैसी लगी। सो फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही और मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।